हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस चतुर। सो आज का जो वीडियो है वो है हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हेयर फॉल के लिए आज का वीडियो है। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 सिंपल से स्टेप्स जिससे आप फॉलो करके अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो है आंवले का जूस। यस, आंवले का जूस। पतंजलि से मुझे आंवले का जूस मिला था, बट ये है लौकी आंवले का जूस। अगर आपको लौकी आंवले का मिक्स जूस नहीं मिल रहा तो आप सिर्फ आंवले का जूस अप्लाई कीजिए। एक्चुअली आपको सिर्फ आंवले का जूस यूज करना है, बट मुझे लौकी आंवले का मिक्सचर मिला था बिकॉज लौकी भी बाल के लिए अच्छा होता है और आंवला भी बाल के लिए अच्छा होता है। सो ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है, बट अगर नहीं है तो आप आंवले का जूस यूज कर सकते हो, वो भी आपको सेम रिजल्ट देगा। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तो वो सबसे बेस्ट होता है। बस आपको आंवला लेना है, उसे स्टीम करना है, जो उसका एक्सट्रैक्ट मिलेगा आपको उसे अपने रूट्स यानी कि अपने स्कैल्प पे और अपने बाल पे दोनों पे अप्लाई कर लेना है। बट आपको इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार या दो बार यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है बिकॉज ज़्यादा यूज़ करने की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दूसरे ट्रायल में ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपको आंवले का इसका तेल बना के यूज़ कीजिए। तेल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे लाइए, क्योंकि थोड़ा क्विक स्टेप है यार कि आपको बस लेना और बाल पे तो लगाना है। उसमें तेल है कि तेल को तेल लग बनाना पड़ेगा, उतनी मेहनत करने से अच्छा तो ये कि आप आंवले का जूस यूज़ कर लीजिए, ये भी सेम रिजल्ट देगा आपको। सो आंवले का जूस आपको लगाना है हफ्ते में सिर्फ दो बार और इसे अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे तक रखना और फिर आपको इसे वॉश कर लेना है। सो ये था स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। स्टेप नंबर 2 है ऑयलिंग। अगर आप अपने बालों की अच्छे से ऑयलिंग करोगे ना तो आपके हेयर फॉल खुद ब खुद रुकना थोड़े स्टॉप हो जाएंगे, थोड़े रुक जाएंगे। आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, बस डेली उसकी ऑयलिंग कीजिए, दैट्स इट। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो ऑयल मिल रहा है आप वो ऑयल यूज़ कर लीजिए, बट ऑयलिंग कीजिए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, जो कि है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग एक ऐसा स्टेप है जो जनरली हम सब स्किप कर देते हैं। ट्रिमिंग हमें बहुत ज़रूरी है हमारे बालों के लिए। आपको सिर्फ हर 2 या 3 महीने में एक बार ट्रिमिंग करवानी है अपने बालों की, नीचे से एंड से ट्रिमिंग करवानी है बिकॉज एंड से ही बाल हमारे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम कंघी कर रहे हैं और कंघी करते 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 यहाँ से लेके एंड तक, एंड में आने वाले होते हैं लास्ट के जो 2-3 इंच के जो बाल होते हैं वहाँ पर बहुत गूंज बनने लगते हैं, बहुत टैंगल्स बनने लगते हैं। पूरे बाल सुलझे हुए रहते हैं बट नीचे बहुत टैंगल्स बनते हैं। सो जिस एरिया में आपके, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे भी प्रॉब्लम था कि मैं कंघी करती थी तो नीचे के एंड में टैंगल्स बनने लगते थे, अगर आपको ये सेम प्रॉब्लम है कि आपको एंड्स में टैंगल बन रहे तो बस जिस एरिया पे से आपके टैंगल्स या गूंज बनना स्टार्ट हो रहे उस एरिया को आपको ट्रिम कर देना है। वो कितना भी बड़ा एरिया, ज़्यादातर लोगों का इतना बड़ा एरिया भी होता है, 2 या 3 इंच का इतना बड़ा भी हो सकता है, बट जहाँ से टैंगल्स बन रहे हैं वहाँ से आप उसे कट कर दोगे तो आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। सो ट्रिमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको है ड्राई हेयर की प्रॉब्लम, मुझे कमेंट में था कि ड्राई हेयर के लिए कोई रेमेडी बता सकते हो तो बताइए। तो ड्राई हेयर के लिए आप ये कर सकते हो कि आप डेली कोकोनट ऑयल लीजिए, उसे थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर लीजिए, थोड़ा सा हीट करना है बस। कॉटन की कोई बॉल ले लीजिए, कॉटन बॉल्स होते हैं, बस उससे लेके आपको अपने बाल पे अप्लाई करना है ल्यूक वार्म कोकोनट ऑयल, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप, ये तो सबसे बेस्ट स्टेप था कोकोनट ऑयल वाला। अगर आपके पास एवोकाडो है तो आप एवोकाडो का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर ये नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो, मलाई जो दूध के ऊपर एक थिन सी लेयर बन जाती है, मलाई से क्रीम भी बोलते हैं, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो ड्राई हेयर्स के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक बटन को हिट करना, सब्सक्राइब बटन को हिट करना, बेल बटन को हिट करना, एंड बाय एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।